सर्दियां चल रही हैं, ठीक है। जब जिस टाइम पे हम लोग प्यार मोहब्बत में होते हैं तो कुछ छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ही प्यारे होते हैं, तो वो याद रह जाते हैं, तो उसी के ऊपर था। सुनिएगा मेरी पोयम, थोड़ी लंबी होगी तो कनेक्ट करते चलिएगा। पोयम का टाइटल है बस अड्डे वाली रात। सुनिएगा बस अड्डे वाली रात, वो अपनी याद कर गया। सुनिएगा सुनिएगा, शुरू करती हूँ। वो सर्द सी जो रात थी ना, बस अड्डे वाली बात थी ना, तुम मेरे करीब जब पहली बार आए थे, बड़ी सुकून भरी सौगात थी ना। जाने का वक्त मेरा हो गया था, तुमने हाथ पकड़कर रोका था ना, कुछ देर और ठहर जाओ ये कहकर अपने पास समेटा था ना। याद है क्या तुम्हें वो पल जब तुम घबराए बहुत थे ना, याद करके बाद में उस किस्से को हम मुस्कुराए बहुत थे ना। सुनो वो याद है जब तुमने मुझे बस में बैठाया था और मेरा दुपट्टा खिड़की पर से हटाया था। वो जब तक बस निकल नहीं जाती थी, तुम ठहर कर वहीं खड़े रहते थे ना, बस देखते थे एक दूसरे को और कुछ नहीं कहते थे ना। फिर तुम मुझे फोन लगाते थे ना, और घर तक पहुंचते पहुंचते हम हर बात दोहराते थे ना। क्या खूब वो किस्सा पुराना था जब हमने एक दूसरे के लिए छोड़ा जमाना था। शुक्रिया शुक्रिया। तो अच्छी यादें हो गई, अब कुछ बुरी सुन लो। जब हम किसी शख्स के साथ होते हैं तो ऐसा हो रहा होता है कि रिश्ता बिगड़ने वाला होता है, तो सामने वाला या हम समझा भी रहा होता है कि ऐसा मत करो तो अच्छा नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी हम लोग नहीं सुनते, उसके बाद भी अपनी चलाते हैं, तो फाइनली ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो जाता है। तो उसको बाद में बैठ के हम लोग सोच रहे होते हैं कि काश उस टाइम उसकी बात सुनी होती। तो पोयम का टाइटल है सच ही कहते थे तुम। सुनिएगा। अब तो ना कोई रुलाता है, ना कोई मनाता है, ना कोई सताता है, और ना कोई मेरी आइसक्रीम लेकर भाग जाता है, ना अब कोई रोते रोते हंसाता है, ना कोई हंसते हंसते रुलाता है, ना ही कोई बेवजह मुंह बनाता है। अब ना कोई देर से आने पर धमकाता है, और ना ही कोई तेरे सा हक जताता है, ना ही कोई मुंह फुलाता है, ना ही कोई मुझे ना ही कोई मुझे देखकर बेवजह मुस्कुराता है। ना ही कोई घंटों मेरी बकवास सह जाता है, ना तेरे सा प्यार कोई जताता है, ना तुझ सा कोई अपना बनाता है, ना ही कोई बाल मेरे खींच कर मुझे रुलाता है। शुक्रिया। और ना कोई लाड़ पुचकार से मेरी चोट पर फूंक मार जाता है, ना कोई मेरे आंसू पी जाता है, ना ही मेरे लिए मीलो दौड़ जाता है, ना कोई तेरे सा साथ निभाता है, ना कोई तेरे सी फटकार लगाता है, ना ही कोई मुझे खोने से डरता है, ना ही कोई मेरे लिए दुनिया से लड़ता है, ना ही कोई मुझे पाने की जिद करता है, ना ही कोई बेमतलब मेरा हाथ पकड़ता है और घंटों मेरी आंखें पड़ता है। वो जो कहते थे ना तुम हमारे जाने के बाद अकेले बहुत पड़ जाओगे, अब समझ आता है सच ही कहते थे तुम। हाँ अब यकीन आता है सच ही कहते थे तुम। एक और पढ़ना चाहूंगी कि जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद जब वो बंदा किसी और का हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। ज्यादा प्यारा लगने लगता है कि हाँ मैंने क्यों जोड़ दिया। तो उसके ऊपर कुछ था, सुनिएगा, थोड़ा कनेक्ट करिएगा। पोयम का टाइटल है किसी और का बाबू। सुनिएगा सुनिएगा। किस बात का दुख है तुम्हें, किस बात का दुख है तुझे उससे दूर जाने का, पहले तुझे ही अलग होना था, उससे दूर जाना था, अभी वो दूर है तो उसे पास बुलाना है, जब चाहता था वो तुझे तो तुझे किसी और से रिश्ता निभाना था,
अभी वो सुकून में है तो तुझे फिर से उसे तड़पाना है। शर्म कर कुछ तो, क्यों तुझे आज भी उसे ही सताना है। शुक्रिया। अब तो जीने दे उसे, क्यों उसकी जिंदगी को वापस नरक बनाना है। क्यों उसे फिर से एक मतलबी से रिश्ते का हिस्सा बनाना है। प्यार है ना उससे तो दूर रहने दे उसे, खुश रहने दे उसे। उसकी चुप्पी ही तेरा जवाब है, ये दूरियां मजबूरी नहीं पर जरूरी है। क्योंकि अब वो तेरा नहीं किसी और का हो चुका बाबू, शोना जान है। शुक्रिया।